हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ सुरभि एंड आप देख सकते हो कि बहुत सारे अमेजिंग स्नैक्स जो है वो मेरे सामने हैं फ़िलहाल। एंड पूरा स्क्रीन जो है वो भर चुका है, लाइक मैं खुद नहीं दिख रही हूँ, सो दैट्स व्हाई मैं मेरे हाथ थोड़े ऊपर कर रही हूँ ताकि आप लोग मुझे देख सके। एंड आई एम सुपर हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड कि आज मैं बहुत ही अलग सा वीडियो करने वाली हूँ। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम आई थिंक कि मैं इस तरह का कुछ वीडियो कर रही हूँ। सो दीज ऑल आर अमेरिकन स्नैक्स, आई एम गोइंग टू ईट ऑल ऑफ देम। ये फाइनली देख सकते हो कि आई एम सुपर एक्साइटेड एंड मतलब मेरी आँखें इनसे हट नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि बस कब मैं खाऊं इन्हें एंड आई जस्ट वांट टू टेस्ट देम। एंड दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट इम्प्रेशन। जो ये साइड में है, साइड योर लेफ्ट साइड, ये सब स्वीट है एंड दीज आर ऑल सॉल्टी या फिर स्पाइसी यू कैन से। मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें से एक एक चीजें क्या है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, यहाँ पे है प्रिंगल्स, गोल्डफिश बेक्ड स्नैक क्रैकर्स आर डोरिटोस, देन द मोस्ट अवेटेड चीटोस, दीज आर हॉट बिकॉज ये बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया में, अमेरिका में। देन यहाँ पे एक छोटा सा है समथिंग मिनी ब्रेड्स करके कुछ तो है, छोटा सा स्नैक्स है। देन यहाँ पे दीज आर दी कुकीज, दीज आर मिलानो डार्क चॉकलेट। देन यहाँ पे है छोटे से शुगर बोल बेकरी से ये केक है जो पायरोंट आई डोंट नो चॉकलेट हेजलनट वेफर्स, अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो हाफ ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। सो दीज आर चीज एंड कैरमलाइज पॉपकॉर्न। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रिंगल से, बिकॉज तो काफ़ी कॉमन लगता है कि कुछ इसमें अलग होगा, बट स्टिल सो दिस इज हाउ इट लुक्स। पिज्ज़ा फ्लेवर में ये दिख रहे हैं। स्मेल इज गुड बट नॉट एज पिज्ज़ा, लाइक पिज्ज़ा का जो टेस्ट होता है। सो दिस इज डिफरेंट समथिंग कॉर्न सोबर, ऐसा कुछ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो आई एम एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। आउट द फर्स्ट वन, वाओ लुक एट दिस, यहाँ से पूरी तरह से रेड है एंड पीछे के साइड से इट इज थोड़ा सा लेस मसाला। उड़ती हुई से बिकॉज ये डेफिनेटली उड़ने वाला है एंड मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, सो लेट्स जस्ट ट्राई इट। ऑनेस्टली स्पीकिंग अच्छा है टेस्ट, बट नॉट एज पिज्ज़ा। इसमें पिज्ज़ा का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, एज एक्सपेक्टेड मीन्स जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। एंड अगेन यहाँ पे ये रेड कलर का कुछ तो इन्ग्रीडियंट दिखाया हुआ है, आई डोंट नो कि ये क्या है, सो मे बी ये फ्लेवर की वजह से इसको ये वाला टेस्ट आता होगा। ये छोटा सा क्या है पता नहीं, सो लेट्स सी दिस। एंड इस पे लिखा हुआ है सिंपली स्टेलर ओरिजिनल वेगन बटर ब्रेड विद सी सॉल्ट। जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो मैं सारे आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकती बिकॉज फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ओ अगेन जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं है, इट्स जस्ट इट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल नो स्मेल, सेकेंड नो टेस्ट, व्हाट द फक, नो इट हैज टेस्ट बट ओनली दिस आउटर पोर्शन जो भी है सिर्फ उसी को टेस्ट है जो कि हम बोलते हैं सॉल्टी बटरी टेस्ट। ब्रेड या फिर आप बोल सकते हो बिस्किट जैसा ही है अंदर से साइड कि बहुत ही अच्छा सा इसका मतलब बहुत देखने को यूनिक है, फर्स्ट टाइम देखा मैंने ऐसा कुछ। बट ओनली इसके सिर्फ आउटर लेयर में सॉल्ट है एंड टेस्ट है। इसे बहुत ज़्यादा खाना पसंद नहीं करूँगी बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा फीका था एंड मुझे इतने फीके चीज़ें नहीं पसंद है। जब स्वीट खाते हैं तो हम ये ट्राई करते हैं। सो दिस इज द मिलानो डार्क चॉकलेट कुकीज। मैं बहुत ही सोफेस्टिकेटेडली ओपन कर रही हूँ विच आई डोंट यूजुअली डू। ओ वाओ, इसके अंदर दो है, सो गुड।
आई डेंट एक्सपेक्ट दैट बिकॉज लाइक फोटो में तो दो दिखाया है बट ऐसा नहीं है कि दो दिखाते हैं तो दो होता ही है. बहुत ही खूबसूरत से दिखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग है. चॉकलेट है अगेन, इसमें सोया है सो आई थिंक उसी का स्मेल होगा बट मुझे वो पीनट्स वाला ही. ओके सो थोड़ा सा खाने के बाद उसका एक्चुअल टेस्ट जो है वो पता चल रहा है. फर्स्टली वो मुझे थोड़ा सा कड़वा लगा बिकॉज ऑफ दिस आउटर पोर्शन. पता नहीं ये क्या है बट ओके लेट मी रीड समथिंग. है व्हीट फ्लावर है, एग्स एंड बहुत सारे देन छोटी मोटी चीज़ें हैं. अलग है कुकीज़ लाइक जो एग्जैक्ट हम लोग कुकीज़ खाते हैं वो वाला टेस्ट नहीं है बट काफ़ी यूनिक है, अलग है. डेफिनेटली आई कैन ईट इट बट अगेन इट्स न्यू थिंग्स. ओके सो अब मैं नेक्स्ट ट्राई करूँगी दिस. दिस इज़ गोल्ड फिश बेक्ड स्नैक क्रैकर्स. और पीछे जो डिज़ाइन है यहाँ पे कुछ फिश जैसे बने हुए हैं सो आई होप ये कुछ फिश जैसा ही अंदर से निकले. वाओ सो क्यूट फिशेस जो है वो आए हैं. आई होप यू कैन सी, बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं बट या थोड़े बहुत तरह से. सो नो स्मेल, लाइक मुझे थोड़ा बिस्किट जैसा स्मेल आ रहा है. सो लेट्स ट्राई इट. सेम एज दिस, ऑलमोस्ट चिजलिंग्स जो हम खाते हैं, चिजलिंग्स तो सबको पता होगा जो स्क्वायर में आते हैं. सेम बट इन डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट नेम. या सेम. हम ट्राई करेंगे दीज कुकीज. आई एम सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड. जो ये काफ़ी अच्छा सा डब्बा मिला है एंड ये डब्बे को यूज़ भी कर सकते हैं. सो इसमें ये काफ़ी सारे कुकीज़ है जो इस पे बनी हुई है ये सारी. सो लेट्स जस्ट ओपन इट. अगेन इसके ऊपर एक पेपर है एंड इस तरह से दिख रहे हैं है ये कुकीज़. गायब है बिकॉज हमने कोई कोई आता है, गेस्ट आते हैं तो उनको दे देते हैं बट मैंने नहीं टेस्ट की है. एंड मैं सबसे अलग वाला शेप है ये, बहुत ही क्यूट सा शेप है बिकॉज बाकी जो है वो काफ़ी प्लेन दिख रहे हैं एंड इस पे ना थोड़ी सी शुगर स्प्रिंकल की हुई है. वाव, अभी तक मैं सबसे वाव मुझे इसी में निकला है बिकॉज दिस इज अमेजिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीट कुकी है, स्वीट है ऑब्वियसली एंड इस पे जो स्प्रिंकल किया हुआ शुगर है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है. जो हम लोग हार्ट वाले जो हमारे स्नैक्स आते थे उसी तरह का बट इट्स सो टेस्टी. सो या मैं इन्हें फुल मार्क्स देना चाहूँगी 10/10 बिकॉज इट्स जस्ट अमेजिंग. बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ रहा है उसमें से. सो या मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी. अब हम ट्राई करेंगे केक शुगर बोल बेकरी. ये इस तरह से है बट ये एक्चुअली एक बॉक्स में आते हैं बट वो बॉक्स काफ़ी बड़ा था सो मैं यहाँ पे फिट नहीं कर पा रही थी. सो इसीलिए जस्ट मैंने एक दो यहाँ पे निकाल के रखे. सो ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं पैकेजिंग में एंड इनका शेप काफ़ी ज़्यादा अलग है. इस बार ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड एवरी टाइम आई डिमांड फॉर दिस केक बिकॉज इट्स जस्ट अमेजिंग. सो लेट्स ओके सो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ. सो ये इट्स सो गुड, इट्स सो गुड. आई कैन टेल यू विदाउट ईटिंग. एक बार आप इसे खाओगे ना आप इसे कभी नहीं छोड़ोगे. इट्स सो सो गुड. इसे 10 क्या मैं 100 मार्क्स भी दूँ. इट इज़ दैट सॉफ्ट स्मूथ फ्लेवरफुल परफेक्ट स्वीटनेस. बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, बहुत लेस नहीं है. इट्स माय फेवरेट केक बट मैं अभी नहीं खाऊंगी बिकॉज
बहुत फुल हो गया है मेरा पेट ऑलरेडी. सो या दिस इज़ माई दिस वन वॉज माई फेवरेट. नाउ लेट्स ट्राई, हम डोरीटोस ट्राई करते हैं. दिख रहा है, सो ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं. सो लेट्स ओपन दिस. ओ गॉड, व्हाट अ स्मेल. ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा रेड रेड है एंड बहुत ज़्यादा मसाला दिख रहा है मुझे इसके अंदर. सो ये काफ़ी सारा मसाले से भरा हुआ है एंड क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. नॉट वेरी वेरी स्पाइसी बट या काफ़ी अच्छा सा स्पाइस है. काफ़ी अच्छा सा जो मसाला है बोल सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है. ओ गॉड, अभी मैंने छींका रही है, सॉरी. इट वॉज स्पाइसी, आई एम सो सॉरी. बात कर रही थी मैं एंड देन मैं इसे खा रही थी तो वो सारा मसाला मेरे नाक में चला गया एंड आगे तो आपने देख ही लिया. आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, मेरा खांसी रुक ही नहीं रहा था. आई हैड टू ईट समथिंग जो थोड़ा सा स्वीट हो ताकि वो सारा गला मेरा साफ हो जाए. ये सारा हुआ इसके बाद. टेस्ट के अकॉर्डिंग इट वॉज सो नाइस. क्रंची था, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, क्रंची है. कॉर्न का फ्लेवर आ रहा है इसमें, कॉर्न का टेस्ट है. इट इज़ स्पाइसी. मैं बोलने वाली थी कि इट इज़ नॉट एट ऑल स्पाइसी बट इट इज़ स्पाइसी इन दी अनादर लेवल. शायद ये खाते टाइम आपको बात नहीं करनी चाहिए. आई थिंक मुझे नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना होगा. यार मैं इसको देख के अभी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है. तो या इसके बाद हम ट्राई करेंगे. ये कुछ इस तरह से दिख रहा है. ये ब्रांड तो मुझे ये क्या है ये पता नहीं है, बट स्मॉल बैच पॉपकॉर्न. लेट मी शो यू कि ये किस तरह से इसके अंदर से जो है वो पॉपकॉर्न निकलते हैं. आउटर टेक्सचर है ऑफ कैरेमल, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है जो हम नॉर्मल हमारे थिएटर्स में खाते हैं या फिर इंडिया में खाते हैं. मैंने जितने खाए हैं उनमें इस तरह के जो कैरेमल है वो नहीं होता है. ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैरेमल इस पे लगा हुआ है, जैसे कि हम चॉकलेट खाते हैं वैसे ही है. इट्स अमेजिंग, लेट मी टेल यू. The best caramel popcorns I have ever had. It's just amazing. Sweet है, salty है, crunchy है, refreshing है. बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे है टेस्ट में. I most recommend you to have this if you are going out or maybe India में भी मिलता होगा तो आप ज़रूर इन्हें try करना. ये मेरे favorite है अभी तक के पूरे snacks में. केक भी हुआ बट ये भी है काफ़ी ज़्यादा एंड अगेन यूनिक एंड समथिंग न्यू जो मैंने ट्राई किया. नाउ हम ट्राई करते हैं हमारा सेकेंड लास्ट स्नैक जो है. सो लेट्स ओपन वन. सो ये इस तरह से दिख रहे हैं पैकेट में. लॉन्ग स्टिक टेक्सचर एंड इसके अंदर यहाँ पे जो है वो आई थिंक सो चॉकलेट एंड वो सब है. अगेन जो मैंने ये कुकी खाई थी जिसके ऊपर थोड़ा सा मुझे पीनट जैसा टेस्ट आ रहा था एंड दिस इज वेरी सिमिलर. काफ़ी सिमिलर है लेकिन ये खाने के बाद मुझे तुरंत इसकी याद आ गई. सो सेम टेस्ट है, टेस्ट में काफ़ी अच्छे हैं, क्रंची है, स्वीट है. सो येस एंड इसके अंदर का चॉकलेट है वो थोड़ा सा हार्डन है, लाइक एकदम मेल्टेड वाला चॉकलेट नहीं है. दिस वाज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट. सो ये है फ्लेमिंग हॉट चीटोस. आई एम सुपर 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 एक्साइटेड टू ट्राई दिस. पैकिंग है ये ही इतना फैंसी एंड ऑसम है एंड ब्लैक कलर में है एंड फ्लेमिंग हॉट है. तो अभी थोड़ा सा मुझे हॉट खाने को, स्पाइसी खाने को डर लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज माई थ्रोट हैज़ नॉट ओवर इट येट. सो
सो आई होप कि मुझे इससे तो कुछ तकलीफ ना हो. एंड आई थिंक सो ये रेड निकलने वाले है बिकॉज यहाँ पे रेड है. सो लेट्स ओपन दिस. आई होप ये मेरे आँख में ना उड़े. ओ माय गॉड, अगेन दिस सेम स्मेल एज दिस, 100% सेम स्मेल. एंड लुक इनसाइड व्हाट इट इज. ओ माय गुडनेस, डार्क हॉट रेड कलर. लुक एट दिस, कितना ज़्यादा रेड है. इस तरह का तो आज तक रेड कुछ इंडिया में आया नहीं है. टाइम फॉर द टेस्ट ऑफ द बेस्ट आई थिंक सो. एंड बाय द वे इसका सारा जो रेड है ये मेरा है रेड मसाला. सो अभी मैं खाऊंगी, बात तुरंत नहीं करूंगी. अगर मुझे ठीक लगा तो ही मैं करूंगी, फिर थोड़े टाइम बात करूंगी. सो लेट्स जस्ट ट्राई इट. ओह माय गॉड, ओ इट इज सुपर स्पाइसी. आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एट ऑल. मुझे ए ओ शिट में इतना सारा कैसे खत्म करने वाली हूँ. आई डोंट नो ये इतना स्पाइसी होता है या मुझे लगा, बिकॉज मैंने बहुत सारी स्वीट चीज़ें भी खाई, लाइक ऑलमोस्ट मैंने स्वीट खाया, सो इसलिए मुझे ज़्यादा लग रहा होगा. बट इट इज़ एक्सट्रीमली स्पाइसी एज पर माई स्पाइस लेवल. एंड यहाँ पे फ्लेमिंग हॉट जो लिखा हुआ है इट इज़ एक्सट्रीमली करेक्ट. आई लाइक इट अगेन. वेरी 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 न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी बिकॉज जितने भी मैंने इंडिया में खाए हैं कुरकुरे एंड ऑल, वो इसके आगे कुछ नहीं है. दिस इज अनादर लेवल अगेन. इसमें क्या मसाला है ये मुझे पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इतना रेड ये कैसे हो सकता है. ओ माय गॉड, मेरी टंग भी रेड हो चुकी है. लाइक आई थिंक आई हैव ट्राइड ऑल दिस स्नैक्स एंड यू हैव सीन माय रिएक्शन, माय एक्सप्रेशंस, माय फर्स्ट इम्प्रेशन एंड एवरीथिंग. बहुत सारी ये मैं हैंड वॉश ही करूँगी, यहाँ वहाँ मैं नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि बहुत तीखा है. अभी स्वीट जो मेरा बचा हुआ है वो काम आने वाला है. सो या आई थिंक सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो एंड आप लोगों ने भी एंजॉय किया हो. एंड फन वीडियो था, कुछ तो नया करना था. ऑलवेज वाय मेकअप लुक्स एंड ऑल. सो या इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्लीज़ डू लाइक दिस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल देन हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.